नमस्ते, मेरा नाम है प्रिंसिपल, आप सबका स्वागत करता हूँ गॉर्जियस होम ऑटोमेशन में। आज फिर से सेकंड जो वीडियो होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जो सेकंड वीडियो हो रही है, इसके अंदर क्या है, होल्डर कैमरा के बारे में आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो वीडियो में आपको पूरी प्रॉपरली समझाता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से इसको सेटअप बनाने से लगा के इसको पूरी प्रॉपरली आपको कम्प्लीटली गाइडलाइन दूंगा और उसमें पूरी वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखे, चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं ये होल्डर कैमरा, इस होल्डर कैमरे को हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक होल्डर लेना होगा जो कि साथ आता है होल्डर, और हमें इस तार को मैंने इसके स्क्रूज के अंदर पीछे लगा दिया है, इसको ये रख दिया है। और सिंपली हमें क्या करना होगा, इसको प्लग दे देते हैं, प्लग में लगा देते हैं, इसको सिंपली प्लग में लगा दिया है। और इसको है ना अपन को माउंट करना है, इसको है ना ऐसे कस देना है, कस दिया है। अब आपको है ना जैसे रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से अपन होल्ड करके इसको ऐसे सेटअप कर सकते हैं, इसको इस तरह से कि ऐसे होल्डर की तरह ऐसे इस तरह से सेटअप हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो अब इसके अंदर में क्या करना होगा हमें कि इसको जैसे अपन ऑन करते हैं इसकी लाइट चल जाती है और ये सेटअप मोड में चलने के लिए तैयार है। अब क्या होगा कि इसको है ना अपन वॉइस पे से कनेक्ट करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू, और फिर इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये 360 डिग्री घूम सकता है और पीछे की तरफ स्पीकर मिन बिल्ड है और आगे की तरफ आप देख सकते हो मेमोरी के लिए दे रखा है और रीसेट के लिए भी ऊपर बटन दे रखा है और ये 360 डिग्री घूमता है। तो मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको, ये बाएं दाएं ऊपर नीचे भी होता है, ये इस प्रकार से। इसके अंदर आपको है ना इस तरह ऊपर की तरफ देखोगे तो मेमोरी लगाने के लिए आपको स्पेस दे रखा है और उसके पास में रिसेट बटन दे रखा है। मान लो कि आप कोई वाईफाई चेंज करना चाहते हो तो ये रिसेट अंदर दे रखा है। इसके अंदर आपने जो प्रॉपरली आपके फोन में आता है रिसेट ट्यूब पिन आती है उसके अंदर घुसा के आप इसको है ना रिसेट कर सकते हो। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो कि है ना इसमें स्पीकर लगा रखा है और इसी के अंदर है ना आगे की तरफ माइक लगा रखा है, यानी कि कोई है ना व्यक्ति है बोलता है तो इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। इसमें है ना वीडियो के साथ में ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, यानी ऑडियो भी सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। और साथ में कोई है ना अलर्ट करने के लिए इसमें स्पीकर भी लगा सकता है, अपन बोल सकते हैं कि भगवान जैसे ये सुपर कार से भी अपन बोल सकते हैं। एक चीज जो इसको सबसे खास बनाती है वो है ट्रैकिंग, यानी ह्यूमन ट्रैकिंग वाला सिस्टम इसमें जो इसको सबसे खास बनाती है। मैंने बोला था ना कि इस वीडियो के अंदर लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में सबसे जो टॉप है उसको मैं चुनूंगा, इन दो कैमरे चुने थे उसमें से इस कैमरे के बारे में मैं बता रहा हूँ ना। इसमें जो एक सबसे बड़ी फीचर है वो ह्यूमन ट्रैकिंग, यानी जिस तरफ ह्यूमन जाएगा उस तरफ से ट्रैकिंग करता हुआ है उसको पीछे 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 जाएगा। और सेकंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें नाइट व्यू के अंदर, तो नॉर्मल जो नाइट व्यू होता है ना उसमें है ना एचडी व्यू का भी सिस्टम है, यानी एचडी व्यू भी देख सकते हो। और साथ साथ में यानी कि चोर आ जाता है इसके ना जो एक एरिया होता है इस एरिया के अंदर कोई आ जाता है तो ये क्या करेगा उस व्यू के अंदर है ना लाइट, ये जो इसके इनबिल्ट लाइट है ना वो लाइट ऑन कर देगा और उसको भगा देगा वहां से। इस प्रकार से ये काम करता है और किस प्रकार करता है मैं आपको बता देता हूँ। वुमन डिटेक्ट करता है जैसे जैसे मैं जाऊँगा ये साथ साथ में कैमरा चलेगा, जैसे कि देखिए इधर आया मैं इधर गया, इधर आया मैं इधर गया, थोड़ा सा कैमरा अभी ये ऊपर आया तो मैं ऊपर जा रहा है और मैं दिखाने के हिसाब से भेजने जा रहा हूँ इधर आ रहा है कैमरा। और साथ साथ में अभी कैमरे के दो आए पोजीशन देख चेंज हो रही है और ये ऐसा करा है इधर आ रहा 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 है ऐसा आया। ये कुल मिला के ट्रैक करते हैं इंसान को, यानी कोई चोर आ जाता है तो एक तो फ्लैश भी ऑन कर देगा और साथ साथ ट्रैक भी करेगा। इस प्रकार से चल रहा है कैमरा। चलिए अब हम क्या करते हैं
कि आपको कैमरे के अंदर क्या एक चीज दिखाते हैं, वो क्या दिखाते हैं कि जैसे नाइट व्यू के अंदर कैसा दिख रहा है वो आपको इस कैमरे के थ्रू दिखाते हैं कि कैमरे के अंदर किस तरह का दिख रहा है। तो उसके लिए क्या है, पहले लाइट्स हम ऑफ कर देते हैं अपने कमरे की, उससे क्या होगा कि ये जो कैमरा है वो नाइट व्यू के अंदर चला जाएगा और नाइट व्यू में चला जाएगा। और सेकंड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस एरिया के अंदर जैसे कोई इंसान आता है ये लाइट अपनी आप चला देता है। तो ये चीज़ भी दिखा देते हैं, पहले इसको लाइट्स कमरे की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। एलेक्सा बिग लाइट ऑफ करो। ठीक है। ओके बिग लाइट ऑफ हो गई है, अब ये नाइट व्यू के अंदर चला गया। अब अपन क्या है कि होम स्क्रीन पे चलते हैं इसकी और फिर दिखाता हूँ क्या होता है। चलिए हम होम स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं। अभी हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार नाइट व्यू दिख रहा है आपको, क्लियरली चेहरा दिख रहा होगा, चश्मा उतार के देख लेता हूँ मैं, आंखें गुस्सी दिख रही होगी इतनी धुंधली सी, लेकिन एकदम चेहरा क्लियर दिख रहा है। मैं इसको दूर जाकर देखता हूँ कि इंसान पूरा प्रॉपरली दिखता है या नहीं दिखता है। जो जैसे इसके एरिया में आया इसने लाइट चला दी अपनी, और यह क्या है कि इसमें टाइमिंग सेट है, जैसे इसका है ना एक मिनट हुआ ये ऑटोमेटिकली अपने टर्न ऑफ लाइट टर्न ऑफ कर देगा। ये देखो टर्न ऑफ होगी, और जैसे इसके ह्यूमन कोई आएगा इसके भी सामने और ये लाइट अपना ऑन कर देगा, ऐसा है। ये ऐसा देखो जैसे इसके एरिया में आए और इसने लाइट ऑन कर दी, और ये जैसे ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा, जैसे इसके एरिया में आएंगे लाइट ऑन कर देगा, और जैसे एक मिनट बाद में इसका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस तरह से ऑन ऑफ ऑन ऑफ चलता रहेगा। अब अगली आने वाली वीडियो है ना उसके अंदर क्या होगा कि हमें ना फुली ऑटोमेशन यानी जो हम करते आ रहे हैं ना उसको रियलिटी में रियल लाइफ में उतार के कस्टमर के लाइफ में उतार के उसी को आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ऑटोमेशन किया, और उसी के अंदर हम आपको बता देंगे कि क्या क्या फीचर्स है, इससे भी बेटर बेटर फीचर्स उसके अंदर डाले हैं। तो इसके लिए हमारे जुड़े रहने के लिए प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो किया क्या है, पहले सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो के लिए वेट कीजिए, वो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, उसके लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, और इसलिए आपको मेहनत मेरी लगती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लाइक जरूर करें, लाइक किए बिना जाने मत।